सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन रिहाई केस, बिहार सरकार के पास मामले में आखिरी मौका, देखे सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से क्या कहा। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील मनीष कुमार से कहा कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। पीठ ने उन्हें पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की थी। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उमा देवी ने कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, वो जरूर इस केस में न्याय करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उनकी रिहाई 15 साल में कैसे हो गई? बिहार गवर्नमेंट माइट हैव रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव मोर टाइम, दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट मे बी ग्रांटेड मोर टाइम टू गिव द रिप्लाई बाय द बिहार गवर्नमेंट, बट आई हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट, दे विल डू द जस्टिस टू अस। Do you want to personally say something to the Bihar government on No, nothing. So many times I told the I requested the Bihar government not to release the Anand Mohanji and not to give any ticket to contest in the elections. But I don't know whether they will follow it or not. But still we are requesting the Bihar government. Court ne जी कृष्णैया की पत्नी आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाले इस याचिका को 8 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया। शुरुआत में बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है। इस याचिका पर 8 मई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के महेश्वरी ने पहली सुनवाई की थी। उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी किया था, साथ ही 2 हफ्तों में इस मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल 2012 में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या को भी सामान्य हत्याकांड की तरह कर दिया गया। पहले प्रावधान था कि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या करने वालों को रिहाई में छूट नहीं मिलेगी। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। बता दें कि जी कृष्णैया तेलंगाना से थे और 1994 में भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर तब मार डाला था जब उनके वाहन ने मुजफ्फरपुर जिले में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा से आगे निकलने की कोशिश की थी। आनंद मोहन उस वक्त विधायक थे और शव यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की करीब 3 दशक पहले हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।